लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन पुत्र के गुप्त सूचना के आधार पर भाकपा माओवादी के 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर किशोर सिंह उर्फ विमल सिंह उर्फ विमल जी को गिरफ्तार कर लातेहार जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने शनिवार को एसपी कार्यालय के सभागार में प्रेस वार्ता कर बताया कि भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर छोटू खेरवार, जोनल कमांडर बलराम उराव उर्फ बल्ली जी, जोनल कमांडर नीरज सिंह खरवार, सब जोनल कमांडर किशोर सिंह उर्फ विमल सिंह उर्फ विमल जी दस्ते के कुछ सदस्य पंचायत चुनाव में सुरक्षा बलों एवं पुलिस को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से मनिका थाना क्षेत्र के कुमंडी के जंगल के आसपास आंटी खेता व हुमामारा जंगल में भ्रमणशील हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अपर पुलिस अधीक्षक विपुल पांडे के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें वहां पर एक युवक संदिग्ध स्थिति में घूमते हुए देखा गया, जो कि पुलिस बल तो देखते ही भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस सुरक्षा बल के द्वारा घेराबंदी कर उस व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम किशोर सिंह उर्फ विमल सिंह उर्फ विमल जी को बताया। एसपी ने बताया कि जांच के द्वारा पता चला कि भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर 5 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार हुआ है। एसपी ने बताया कि 2007 में भाकपा माओवादी के सब जोनल कमांडर किशोर सिंह उर्फ विमल सिंह उर्फ विमल जी ने महुआ डांड थाना क्षेत्र के वीडियो विजय कुजूर को लाइसेंसी राइफल को लूट कर 24 घंटे बंधक बनाने की करीम जी के दस्ते में शामिल था। पूर्व में यह नक्सली आर्म्स एक्ट एवं 17 CL एक्ट के तहत जेल जा चुका है। वर्तमान में लातेहार जिले के 13 थानों में आर्म्स एक्ट एवं 17 CL एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस छापेमारी अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक अभियान विपुल पांडे, लातेहार अंचल पुअनी रशशि रंजन कुमार, मनिका थाना प्रभारी शुभम कुमार, गारू थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव, छिपा दोहर थाना प्रभारी विश्वजीत तिवारी, मनिका थाना पुअनी जोयदीप बोस, मनिका थाना सहनी सुरेश कुमार सिंह, सैट पुलिस केंद्र एक लातेहार, सैट 126 मनिका थाना, सैट 61 IRB 1 छिपा दोहर थाना, 214 बटालियन के CRPF व CRPF A 133 कंपनी के जवान शामिल थे। लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। सक्रिय माओ का सब जोनल कमांडर है, इसका नाम है विमल उर्फ किशोर जी, और ये वर्ष 2002 से प्रतिबंधित माओवादी संगठन में जुड़ा रहा है और छोटू खैरवार के गिरोह में उसके दस्ता में सबका सदस्य सक्रिय सदस्य रहा है। आज अर्ली मॉर्निंग लातेहार पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटू खैरवार के दस्ता जिसमें बलराम राव वगैरह भी हैं, ये लोग कुमंडी के आसपास के जंगलों में आने की बात हम लोगों को पता चला। इसके लिए हमने एक ज्वाइंट ऑपरेशन निकाला था हमारे एसपी ऑफिस विपुल के नेतृत्व में, जिसमें बाकी जो पदाधिकारी गए थे आपके सामने बैठे हैं, शशि हैं, शुभम हैं, विश्वजीत हैं, तो ये 2-3 थाना का साथ में सीआरपी का ज्वाइंट ऑफिस था, जहां पर जाने के बाद इन लोगों ने पाया कि एक व्यक्ति है जो मंडी के आसपास के जंगलों में था और पुलिस को देख के भागने लगा। जब इन लोग उसका पीछा करके पकड़े और उसका नाम वगैरह पता किए तो पता चला कि एक सब जोनल कमांडर है जो 5 लाख का इनामी भी रहा है और पिछले लगभग 20 वर्षों से उग्रवादी जो संगठन है माओवादी संगठन उससे जुड़ा रहा है और कई घटनाओं को अंजाम दिया है। पूर्व में भी ये जेल गया है और जेल में अपनी सजा को काटने के बाद वापस ये चला गया था सेम दस्ता में, और उसके बाद से भी कई इसके ऊपर लगभग 13 केसेस अभी और पेंडिंग। तो माओवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमें आज एक बड़ी सफलता मिली, हमने एक सब जोनल कमांडर को गिरफ्तार किया है, पकड़ा है, हथियार बरामद नहीं हुआ है। हम लोग को ऐसा लगता है कि ये अपने दस्ता के थोड़ा आगे आगे चल रहा था और हो सकता है कि ये रेकी करने के लिए पहले इसको भेजा गया, तो दस्ता के की अभी तक पुष्टि आने की नहीं हो पाई है, कोई इस तरह की सूचना हम लोग को नहीं मिला। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMG बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMG बार्स, रिश्ता मजबूती का।